अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, पिता हाया ड्रैगन फ्रूट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ग्राफ्टिंग के लिए किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ये देखें। ये जड़ वाले जो हैं आम टंडा तोड़ के पौधे हैं जो हमने अभी यहाँ से पुल किए हैं, जड़ बनी हुई है। अब हम इनके ऊपर मुख्तलिफ वैराइटीज़ का ग्राफ्ट कर सकते हैं। अभी ये जो कुछ पौधे हैं ये तकरीबन 100 के करीब पौधे हम कर रहे हैं आज इनके ग्राफ्टिंग। तो ये देखें, जैसे ये पौधा लगा हुआ होता है तो यहाँ पे हम इसको सिंपली जो है वो इसको पुल कर लेंगे, ये जड़ समेत पौधा नीचे से निकल आएगा जी। ये देखिए, ठीक है जी, आप इसको थोड़ा सा ज़रा हिलाएं और ये जड़ समेत ऐसे निकल आएगा नीचे से। इनके ऊपर जब हम ग्राफ्ट करेंगे तो बड़ी ही तेज़ी के साथ ये पौधे हमारे आगे चलते हैं जी। ये देखिए, ये देखिए, कोई पौधा जो ज़्यादा मजबूती के साथ नीचे अपनी जड़ लगाए पड़ा है वो ज़रा दिक्कत करता है, अदरवाइज आराम से ये पौधे जो है वो आप इनको खींचें तो ये फर्स्ट क्लास जो है वो निकल आते हैं और इनको हम ग्राफ्ट कर लेते हैं जी। ये देखें, थोड़ा सा आप इसको हिलाएं और ये जड़ समेत ये पौधा आपके पास आ गया। तो ये अभी हम जो है वो कोई 100 के करीब ग्राफ्ट करेंगे जी इंशाल्लाह। हमने वाना एक्सप्रेस के ग्राफ्ट मज़ीद करने, ये देखिए, ये देखिए, इसी तरीके से हम इसको मुसलसल लगा रहे होते हैं पौधों को और फिर मुसलसल इस्तेमाल में ला रहे होते हैं। जो सेहतमंद पौधे हैं वो निकाल लेंगे इस तरह से हम मुख्तलिफ। ये देखिए, ये देखें जड़ इसकी, इसका हमें फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि इनको हमें मज़ीद टाइम नहीं देना पड़ता, ये बड़ी जल्दी ग्राफ्ट जो है इनके ऊपर लग जाती है और हम इसको आगे चला सकते हैं जी। दोस्तों ये देखें, ये टूट गया है, ये सख्ती से नीचे से इसने अपनी जड़ पकड़ी हुई थी तो हम इसको जो है वो नहीं निकाल पाए, यानी कि आपस में इसकी जड़ जो है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस हो गई है नीचे कहीं। जो पौधे आसानी से निकल आते हैं उनको हम निकाल के इस तरीके से इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी ग्राफ्ट करते हैं। जब हम ग्राफ्ट करेंगे इंशाल्लाह वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह जी।